लुधियाना में हुई कल शाम से झमाझम बारिश, फिर भरा अंडरब्रिज, लगा जाम, जनरेटर चालक बोल रहा पूरे चौराहा का पानी अंडर ब्रिज में कैसे करूं खाली। मयाना में एक बार फिर जोरदार झमाझम बारिश हुई। कल शाम से ही बारिश काफ़ी तेज हो रही है। रात भर की बरसने होने के बाद सुबह से ही झमाझम बारिश फिर शुरू हो गई। फिर रेलवे अंडर ब्रिज में लगा जाम, लोग हुए परेशान। साथी विद्यार्थी भी रेलवे लाइन क्रॉस करके जान जोखिम में डालते हुए पटरी को पार करते हुए दिखाई दिए। वह मोटरसाइकिल व साइकिल चालक पैदल यात्री भी ऊपर से क्रॉसिंग पार करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि मयाना के सबसे बड़ी समस्या रेलवे अंडरब्रिज, जो कि बरसात के 4 महीनों तक यात्रियों को, ग्रामीण जनों को एवं गुना अशोकनगर आने वाले जाने वाले व्यक्तियों की समस्या बनी हुई है। सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। ऐसे में रेलवे अंडरब्रिज में कम से कम 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है, जिसमें करीब 4 से 5 घंटे तक आवागमन रुका रहा। जब जनरेटर चालक से बात की गई कि आप समय पर इसे खाली क्यों नहीं कर पाते, तो चालक ने बताया कि मयाना चौराहे का दोनों की नालियों का पानी अंडरब्रिज में आ रहा है, जिससे पानी की क्षमता जनरेटर फेंकने की अपेक्षा अति से ज़्यादा हो रही है, इसलिए इसे समय पर खाली नहीं कर पाते। ग्रामीण जन लोकेंद्र सिंह राजपूत एवं हेमंत शर्मा ने बताया कि ये मयाना की एक बड़ी समस्या है, जिसका निदान शासन प्रशासन ने आज तक नहीं किया। कई बार रेलवे प्रशासन को सूचित किया, परंतु नतीजा जस की तस बना हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं किया गया तो हम सभी ग्रामीण रेलवे पटरी पर बैठकर आंदोलन करेंगे। रेल रोके रेलवे प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द निदान कर बरसात के दिनों से ऊपर से रास्ता चालू करें, जिससे ग्रामीण यात्री एवं स्कूली बच्चों के समय पर अपने स्थान पर पहुँच सकें। आप जनरेटर चला रहे हो, ये पानी समय पर क्यों नहीं निकल पा रहा, क्या कारण है? ये मैं सुबह 5 बजे से चला रहा हूँ, जो अपना चौराहे से लेकर दोनों तरफ का पानी जो है अंडर ब्रिज में आ रहा है। चौराहे की उस तरफ का नाली सीधे हाथ की और टेढ़े हाथ की दोनों नालियों का पानी अंडर ब्रिज में आ रहा है। अगर मैं इसमें 2 दिन भी और चलाऊँ तो खाली नहीं होगा वो। मैंने 2-3 दिन से मैंने पंचायत में भी की है और मैंने थाने में भी शिकायत की, लेकिन किसी ने मेरी सुनी नहीं है। आपका पंच क्या नाम है? मैं यही कह रहा हूँ, अगर मेरा आज ये नहीं हुआ, मेरा आज या कल में, तो मैं कल अपना इंजन घर उठा ले जाऊँगा, मेरी बस्ती है। आपका नाम? आसिक खान। जनरेटर चलाते हो? जी। इस समस्या में बहुत गंभीर समस्या है, जाम लगे रहते हैं, प्रतिदिन 4 महीने निकलने में बहुत दिक्कत होती है। प्रशासन की लापरवाही, कमजोर है कुछ भी, लेकिन हमने बड़ी घटना हो सकती है। हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द, अगर समस्या का आप हल नहीं निकाला तो हम बजरंग दल अध्यक्ष या सभी ग्रामवासी या क्षेत्रवासियों को एकत्रित करके वहाँ पर धरना देंगे, चक्का जाम करेंगे या पटरी पर बैठेंगे, ट्रेनों को रोकेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ये हम 4-5 दिन की मोहलत देते हैं, क्योंकि हम समस्या से बहुत परेशान हो चुके हैं। कोई नेता प्रशासन साधन कोई नहीं सुन रहा है, मजबूरन हमको कुछ करना पड़ेगा इसका। धन्यवाद। समस्या बोलेगा आपके कहेंगे सर? अरे मैं तो ये कहूँगा साहब कि जी बहुत गंभीर समस्या है, और म्याना के आसपास करीबन 50 गांव लगे हुए हैं, और सारे लोगों का जहीं से आना है, अशोकनगर साइड के लोग भी, चंदेरी के उधर के भी जहीं वो निकलते हैं, ऊपर से इसको खोल दिया जाए बरसात के टाइम, जिससे कि लोगों को समस्या ना हो। अभी मैं देख रहा हूँ साहब, सुबह से करीबन 9 बजे से जाम लगा हुआ है। आपका परिचय? मैं लोकेंद्र सिंह राजपूत, म्याना का रहने वाला हूँ।